संघानां रसानां छन्दसामपः मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणिविनायको। अक्षर समूह रस छंद मंगलों की करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण्यं या व्यम विना न पश्यन्तिं सिद्धा शान्तः स्थमीश्वरं। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्धजन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। वंदे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रो अपि चंद्रः सर्वत्र वन्दति। ज्ञान में नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से टेढ़ा चंद्रमा भी सदैव वंदित होता है। सीताराम गुणराम पुण्यारण्य विहारणो वंदे विशिद्ध विज्ञानो कपीश्वर कपीश्वरो। श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र मन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कपीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। उद्धव स्थिति संहार कारिणी क्लेश हारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतो अहम राम वल्लभां। उत्पत्ति पालन संहार करने वाली क्लेशों को हरने वाली संपूर्ण कल्याणों की करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ। यन्माया वशं पतयं विश्वं खिलं ब्रह्मादि देवासुराय स्थानमिति भयं वहारि ब्रह्माय पादपलकमेव मे वहि वामादे श्रीसुताम्। वंदे अहम तमसीस कारण परम रामाक्षी साम हरिम। जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता असुर है, जिनकी सत्ता से रस्सी में सत्य ब्रह्म की भात ये सारा दृश्य जगत सत्य होता है, जिनके केवल चरण ही भाव सागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है, उन समस्त कारणों से पर सब कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ राम कहने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करता हूं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय कृष्ण देवाय वासुदेवाय कृष्ण देवाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं वैश्वाधारं सरसवर्णं मेघवर्णिसुभांगं लक्ष्मीकांतां कमलनयनं योगविद्यानगम्यं। वंदे विष्णुं वैभवहरं सर्वलोकैकनाथं। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री माधवाय नमः। ओम श्री महादेवाय नमः। जय श्री राम। काशी की धरा से काशी पुत्र आप सभी लोग का आपके अपने चैनल काम ब्लॉग काशी पुत्र पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। भक्तों आज अजय एकादशी का दिन है। अजय एकादशी या कोई भी एकादशी जो आपकी वर्ष में पड़ती है, हर माह में एक एकादशी पड़ती है, ग्यारहवा दिन वो भगवान श्री विष्णु के चरणों में समर्पित है, अथा उसको पुण्य मिलता है जो कि एकादशी का व्रत रहता है। भगवान विष्णु की और भगवान देव गुरु बृहस्पति की हम बारंबार वंदना करके श्री राम के चरणों में श्री हनुमत कृपा से श्री रामचरितमानस का यह निरंतर पाठ कर रहे हैं। अयोध्या में भव्य मंदिर श्री रामचंद्र का बनने के 10 दिन पहले से ही मैं निरंतर अनवरत श्री रामचरितमानस का पाठ कर रहा हूँ। जो बाल कांड पढ़ रहे हैं भारी मात्रा में सनातनी भाई, सत्य सनातन को शिखर पर पहुँचाने के लिए भारी मात्रा में इस ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और आप सब्सक्राइब करें काम ब्लॉग काशीपुत्र। जय सिया राम। सीधे सब सियावसु अकनी गई जहां जनवासी लिए संपदा सकल सुख सुरपुर भोग विलासी। सीता जी की आज्ञा सुनकर सब सिद्धियां जनवासा था वहां सारी संपदा और सुख
इंद्रलोक के भोग विलास के लिए हुई गई हैं। जैसे इंद्रपुरी के भोग विलास है, उसी प्रकार से वहां संपदा और धन अथा दिख रहा है। सकुचि न काही न सकत गुरु पाही, पेतु दर्शन लालच मन माही, विश्वामित्र विनय बड़ी देखी, उपजाऊ संतोष विशेष। संकोच बस गुरु विश्वामित्र जी से कह नहीं सकते थे, परंतु मन में पिताजी के दर्शनों की लालसा थी। विश्वामित्र जी ने उनकी बड़ी नम्रता देखी, उनके हृदय में बहुत संतोष उत्पन्न हुआ। हार सी बंधु तो हृदय लगाए, उलट अंग अंबक जल छाए, चले जहां दशरथ जनवासे, मनहु सरोवर तगहु पियासे। भूप बिलोके जबहि मुनियावत सुतन समेत, उठे हरसि सुख सिंधु मोहु चले थासि लेत। जब राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित मुनु को आते देखा, वे हर्षित होकर उठे और सुख के समुद्र में थासि लेते हुए चले कि मुनि दंडवत किन महिषा, बार बार पद रज धरी ईसा, कौशिक राव लिए उड़लाई, कई असीस पूछी कुछ लाई। जय भगवान वासुदेव, जय सियाराम, जय सियाराम। कहा है पृथ्वीपति दशरथ जी ने मुनि की चरण धूलि को बारंबार सिर पर चढ़ाकर वो दंडवत प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने राजा को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद लेकर कुशल पूछी। मुनि दंडवत करत तो भाई, देखी नृपति उर सुकुन समाई, सुत ही लाई सुता दुख मेटी, मृतक शरीर प्राण जनु भेटी। दोनों भाइयों को दंडवत प्रणाम करते देखकर राजा के हृदय में सुख समाया नहीं। पुत्रों को उठाकर हृदय से लगाकर उन्होंने अपने वियोग जनित दुसा दुख को मिटाया, मानो मृतक शरीर को प्राण मिल गए। ऐसा मार्मिक चित्रण तुलसीदास जी द्वारा किया गया है कि पुनि वशिष्ठ पद सिर तिन्ह नाई, प्रेम मुदित मुनि बार उर लाए, विप ब्रेंद बंदे दुह भाई, मन भावती आशीष पाई। आशीष का मतलब आशीर्वाद। फिर उन्होंने वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। मुनि श्रेष्ठ ने प्रेम के आनंद में उन्हें हृदय से लगा लिया। दोनों भाइयों ने सब ब्राह्मणों की वंदना की और मन भाई आशीर्वाद पाए। भरत सहानुज कीन्हा प्रणामा, लिए उठाई लाई उर रामा, हर्ष लखन देखी दो भ्राता, मिले प्रेम परिपूरित गाता। भरत जी ने छोटे भाई शत्रुघ्न सहित श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया। जय श्री राम। और श्री राम जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। लक्ष्मण जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए और प्रेम से परिपूर्ण हुए, शरीर से उनसे मिले। पूरे जन पारी जन जाति जन जाचक मंत्री मीत, मिले जथा विधि सब ही प्रभु, परम कृपाल विनी तदनंतर, परम कृपालु विजयी विनय, श्री रामचंद्र जी अयोध्या वासियों कुटुंबियों जाति के लोगों याचकों मंत्रियों और मित्रों सभी से यथा योग्य मिले, कि राम ही देखी बरात जुड़ानी, प्रीति की रीत ने जानी बखानी, निरप समीप सोहाई सुतचारी, जन धन धर्मादि।
श्री रामचंद्र जी को देखकर। बारात शीतल हुई, राम के वियोग में सबके हृदय में जो आग लग रही थी वो शांत हो गई। प्रीति की रीति का बखान नहीं हो सकता। राजा के पास चारों पुत्र ऐसी शोभा पा रहे हैं मानो अर्थ धर्म काम मोक्ष शरीर धारण किए हुए हों। सुतान समेत दशरथ ही देखी, मुदित नगर नर नारी से सी सुमन बड़ी सी सुरा, हान ही निशाना नाग नटी नाचे करी गाना। पुत्रों सहित दशरथ जी को देखकर नगर के स्त्री पुरुष बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। आकाश में देवता फूलों की वर्षा कर रहे हैं, नगाड़े बजा रहे हैं, अप्सराएं गा गा कर नाच रही हैं कि सतानंद आरु बेप्र सचिव गण मागदशत विदुष बंदी जन सहित बरात राउ सन्माना आय सुमांगी फिरे अगवाना। अगवानी में आए हुए सतानंद जी, अन्य ब्राह्मण मंत्रीगण मागध सूत विद्वान भाटों ने बारात सहित राजा दशरथ जी का आदर सत्कार किया। फिर आज्ञा लेकर वापस लौट गए। प्रथम बारात लगन ते आई ताते पुर प्रमोद अधिकाई ब्रह्मानंद लोग सब लहई बड़ दिवस निसी कही। बारात लगने के दिन से पहले आ गई है, इसे जनकपुर में अधिक आनंद छा रहा। सब लोग ब्रह्मानंद प्राप्त कर रहे हैं और विधाता से मना कर कहते हैं कि दिन रात बढ़ जाए बड़े हो जाए। और यही एक दुआ बहुत ही रोचक है कि राम उसी स्वभाव दी सुकृति आवाधी तो राज जाता पुर जन कही असे मिल नर नारी समाज। श्री रामचंद्र जी और सीता जी सुंदरता की सीमा है और दोनों राजा पुण्य की सीमा है। जहां तहां जनकपुर वासी स्त्री पुरुषों के समूह इकट्ठे होकर यही कह रहे हैं राम सिया राम सिया राम जय जय राम। ओम श्रीम श्रीम लक्ष्मी ओम श्रीम श्रीम लक्ष्मी ओम महालक्ष्मी नमः। ओम श्री लक्ष्मी भ्यो नमः। ओम महालक्ष्मी नमः। ओम श्री लक्ष्मी भ्यो नमः। ओम श्रीम श्रीम लक्ष्मी ओम श्रीम श्रीम लक्ष्मी ओम सुजानराम बरगलाद सेवितं कपित्तजंब फलचार भक्षणम् उमाशुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं वरगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दं भवं भवामि सहितं नमामि। ओम श्री राम रामाय नमः। ओम हर हनुमते नमः। ओम हर हनुमते नमः। भक्तों जीवन में यश प्राप्ति निडरता एवं समृद्धि के लिए हमें देवी भागवत श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करना चाहिए। श्री दुर्गा जी के चरणों में हम बारंबार नमस्कार करते हैं और सिद्ध कुंजिका स्रोत का पाठ करते हैं। आइए हम सिद्ध कुंजिका स्रोत पढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले हम एक बार शुरू करते हैं। जय माता जगत जननी, जय माता जगदम्बिके, जय अंति मंगला काली भद्रकाल कपालिने दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्ते।